दोस्तों, सारे के स्कूल का एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है। छठी से लेकर नौवीं क्लास तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुके हैं। जल्द से जल्दी अपने बच्चों का फॉर्म फिलअप करें। वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, फीस कितनी लगने वाली है आपके बच्चों की, एडमिशन के लिए आपके बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए और भी सारे क्राइटेरिया। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ, जानते हैं किस तरीके से हमें फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया है। दोस्तों, गूगल पर टाइप करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर AISSEE की साइड आ जाएगी, ठीक है। इसे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस देखने को आएगा। अब यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस आ रखा है, इसे ज़रूर पढ़ें। ये आपको बताएगा जो भी आपके एडमिशन के टर्म्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम चलते हैं। तो जैसे ही मैं नोटिस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे पब्लिक नोटिस देखने को मिलता है, जो कि 21 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ हुआ था। अब इसके अंदर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर पहली लाइन देखने को मिलती है कि 8/1/2023 संडे, मतलब 8 जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम में आप पेन पेपर लेके जाना है। एग्ज़ाम आपका जो है वही जैसे हर बार आता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस तरीके से आएगा, ठीक है। 180 से ज़्यादा सिटीज़ में ये रखा गया है सेंटर इसके, और आप चेक कर सकते हैं। क्लास सिक्स के लिए जो बच्चे की एज है वो 10 से 12 साल होनी चाहिए। एज जो काउंट की जाएगी वो 31 मार्च 2023 को काउंट की जाएगी, ठीक है। और वहीं क्लास नाइन्थ के लिए 13 से लेकर 15 साल की एज होनी चाहिए। और एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी और डिफेंस एक्स सर्विस मैन के लिए 650 रुपये रखी गई है, और वहीं एससी और एसटी के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। लास्ट डेट जो है हमारे फॉर्म फिल करने की वो है 30 नवंबर, तो मतलब आपके पास एक महीना है। इस एक महीने में अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं तो उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या प्रोसेस है इसका। तो मैम मेन साइट पे आ जाते हैं, हम फिर से मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म 2023, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, पहले आपने आईडी नहीं बना रखी, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ऊपर हमें तीन पॉइंट दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपको आना है। फ़ी मैंने आपको बताई दी थी, इसमें कुछ बुलेटिन दे रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लें। जो मेन बुलेटिन है इसका वो है डॉक्यूमेंट अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके बारे में जरूर देख लें। ये चरण टू में दे रखा है, स्टेप टू में। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो आ रहा है उम्मीदवार की फ़ोटो, मतलब जो आपका कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो, उसका एक थंब इंप्रेशन भी लगेगा, उसके हस्ताक्षर भी लगेंगे, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जहाँ आप रहते हैं उसको दर्शाता है कि ये यहाँ के कैंडिडेट हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया है तो कल की वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे कि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं 10 से 15 दिनों के अंदर, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास शुरू से ही होगा, अगर नहीं है तो भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है उसके बारे में, वहाँ चेक कर सकते हैं जाके आप। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपको आना है, टर्म एंड कंडीशन और क्लिक करना है एग्री पे। देन इसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर कैंडिडेट का नाम डालना है, नीचे की तरफ आना है आपको, यहाँ फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डाल दीजिए, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर ले, मेल फीमेल जो भी आप हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपको आईडी देनी है, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप पैन कार्ड दे सकते हैं बच्चे का, स्कूल आईडी दे सकते हैं, एनी अदर आईडी में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, एनी अदर आईडी में, ठीक है। तो मैं एनी अदर आईडी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस आप डाल सकते हैं, कोई भी एड्रेस है, जैसे दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का डाल सकते हैं, या किसी और एरिया में रहते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रेमिसेस संख्या या नाम, आप अपना विलेज, अगर विलेज में रहते हैं विलेज का नाम डाल दीजिए, और अगर आपके आपका हाउस नंबर लगता है तो आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिए, अपनी लोकेलिटी डाल दीजिए कि आपके किस लोकेलिटी के हैं, मेन लोकेलिटी जो है आपकी किस एरिया में आप रहते हैं। अब यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आप अपना नीचे की तरफ आएँ, स्टेट सेलेक्ट कर लें, नीचे अपना जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है आपको, ई मेल आई डी डाल दें, जो भी आपकी ई मेल आई डी है, दो बार ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, सेम ऐसे ही आपको दो बार मोबाइल नंबर कंफर्म करना पड़ेगा आपका। और फिर नीचे की तरफ आना है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो इस सेम पे क्लिक करें, देन आपको ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अलग है तो आप अलग अलग कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आपको आकर पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं अपना, याद रहे पासवर्ड आपका जो है 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर अंदर होना चाहिए,
पासवर्ड के अंदर एक अपर लेटर का वर्ड हमेशा यूज करना, जैसे कि पासवर्ड के अंदर लिखा हुआ है पी कैपिटल है, इसी तरीके से एक कैपिटल वर्ड यूज करना, और उसके बाद आपको नीचे की तरफ आके सेम पासवर्ड टाइप करना है, अल्फाबेट एक कैपिटल रखना, बाकी नॉर्मल रख सकते हो, एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही आपको एक नंबर्स भी यूज़ करने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड @123 इस तरीके से भी आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। नीचे की तरफ आपको आना है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्कूल नेम जो बहुत ईजी लगे आपको, जो आपको याद रहे वो डाल दीजिए। अब नीचे की तरफ आपको आके यहाँ पे अपना कैप्चा टाइप करना है और इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके से वेब पेज ओपन होगा, यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके से आपके एक एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा और आपका पासवर्ड आपने सेट कर ही लिया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना कैप्चा जो भी लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। देन नीचे की तरफ आपको आना है और सेम एज परमानेंट एड्रेस में क्लिक करके आपको कैप्चा टाइप करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा आपकी पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट का नाम डालना है यहाँ पे, उसके बाद आपको जन्मतिथि डालनी है बच्चे की, जो भी जन्मतिथि है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फिर से माता पिता का नाम, ठीक है, और फिर से अपनी नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी लगती है उस नेशनलिटी को चूज़ कर लें। नीचे की तरफ आएँ, आपका जो डोमिसाइल है वो किस स्टेट का है आपको ये ज़रूर बताना है। आप दिल्ली का दिल्ली के स्टेट का डोमिसाइल है आपका, तो दिल्ली ज़रूर सेलेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है, और किसी भी स्टेट का है आप उस स्टेट को ज़रूर सेलेक्ट करें। किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है आपका, जहाँ आपकी फ़ीस डिसाइड होगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप SC ST ही चुने, अगर आप SC ST नहीं चुनते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 650 रुपये की लगेगी। इस चीज़ का भी खास तौर पर ध्यान रखें। एनुअल फैमिली इनकम पे, तो यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम क्या है साल भर की, वो आपको इसमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, जो भी क्राइटेरिया आपका लगता है आप उस क्राइटेरिया को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आप आए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कह रहा है कि क्या आपके माता पिता तट रक्षक या आसाम राइफल में सेवार्थ थे, मतलब उन्होंने सर्विस की है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर हैं, और नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। तो 2023 के फॉर्म निकले सैनिक स्कूल के, इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा, सोशल मीडिया से, रेडियो से, पैम्पलेट से, न्यूज़पेपर से, तो आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो NTA वेबसाइट या न्यूज़पेपर आप जो आपको ठीक लगे आप वो चूज़ करके डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डाल के सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। आपसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है यस या नो, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए, और आपके पास है तो आपको यस करके आगे सबमिट करना पड़ेगा डाटा। यहाँ पे सबसे पहला मैंने कुछ फिलअप कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। किस कक्षा के लिए आपको दाखिला चाहिए, तो 6ठी की क्लास के लिए चाहिए, 9वीं क्लास के लिए चाहिए, उसमें से एक चूज़ कर लीजिए। क्या आप किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यस अपेयरिंग या नो, अगर पढ़ रहे हैं तो पास आउट या अपेयरिंग, और नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो नो कर सकते हैं, ठीक। अब आपको इसमें से एक योजना बतानी है कि आपको जो है कौन सी योजना ज़्यादा पसंद है, सैनिक स्कूल ओनली, सैनिक स्कूल प्लस, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, ठीक है, और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, तो आप सेकंड वाली कर दीजिए, इसके अंदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ का एडमिशन चाहिए, किस सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। आपके पास इंडिया के हर राज्य का यहाँ पे आ चुका है डाटा, और आपको सिर्फ इसके अंदर फिल करना है कि आपको किस राज्य का एडमिशन प्रोसेस करवाना है उस राज्य के स्कूल में। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हर राज्य का अपना स्कूल आ रहा है जहाँ भी सैनिक स्कूल के एडमिशन खाली हैं, रिक्त हैं, ठीक है, तो उस राज्य को आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रहे, मैंने यहाँ तक नोटिस किया इसके अंदर दिल्ली का अभी तक नहीं है, दिल्ली का एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे आई थिंक वैकेंसी रिक्त हो, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो दिल्ली की तो नहीं है दोस्तों। दिल्ली के बच्चों को थोड़ा शौक मनाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। पढ़ाई तो रुकेगी नहीं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कहीं से भी आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि सैनिक स्कूल ही मिले तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो। अब दिल्ली के अंदर एक चीज़ और भी अच्छी आ गई है कि आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर भी सैनिक स्कूल जैसी पढ़ाई होती है, उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट दिया गया है, ऐसा एक
एक आपको सब्जेक्ट दिया गया है सैनिक स्कूल वाला, तो आप है ना अपना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर क्लास 9th से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 11th में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप इस सैनिक स्कूल में ही जाना चाहते हैं या उसके लिए ही तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी एक पार्ट है। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की वैकेंसी तो नहीं है, आप यहाँ पे मीडियम चूज़ कर लीजिए, किस मीडियम में आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो जिसमें आपको कंफर्ट आता हो पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस किस राज्य में अपने सेंटर चाहिए। तो यहाँ पे चार राज्य के अंदर सेंटर मांगे, तो मैंने यहाँ पे चारों दर्शा दिए कि इस राज्य में मैं परीक्षा देने जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चारों उसके सब राज्य राज्य के डिस्ट्रिक्ट चूज कर रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी एक किसान हैं या एग्रीकल्चर हैं, जो भी हैं पिताजी आपके, उसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय भी ऑप्शन है, तो इस पर डाल सकते हैं। पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं, आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, माताजी क्या करती हैं, हाउस वाइफ है, तो अदर पे क्लिक कर देना है। माताजी कितनी पढ़ी लिखी हैं, आप वो उसमें डाल सकते हैं चूज़ करके। यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा टाइप करना है और नेक्स्ट कर देना, सेव इट नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल पे आप आ जाएंगे, तो ठीक है, यहाँ पे क्लास 5th क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल ही आ रहा है दोस्त। ठीक है, तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें फिलहाल, तो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कुछ, तो मेरे को समझ में नहीं आया ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे इन्हें ऑप्शन देना चाहिए था अदर CBSE वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने खाली नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है हमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम फिर से इसे नेक्स्ट करते हैं कैप्चा कोर्स डाल के, उसके बाद आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी AISSC का एग्जाम दिया है, दिया है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़े। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है सेम, कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या कोई भी ऐसा मेंबर है जो स्टाफ से बिलोंग करता हो सैनिक स्कूल के, यस अगर है, और नहीं तो नो पे क्लिक करें, फिर से कैप्चा कोड टाइप करें और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। फर्स्ट में आपका फ़ोटो आएगा, इस फोटो का जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रहेगा वो JPG रहेगा। आपका थंब जो आपको डालना है वो भी JPG में डालना है, सिग्नेचर भी JPG में डालने हैं, डाल देने, दोनों अपलोड कर देने। ये PDF में रहेंगे और इनके साइज चेक कर सकते हैं, 50 से लेके 300, 50 से लेके 300 KB तक है। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों। फाइनल सेव सबमिट पे क्लिक करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर रिव्यू करें, अपने फॉर्म को जरूर रिव्यू करें कि आपने जो डाटा भरा है बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप पूरा डाटा एक बार चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पर यहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, वेरीफाई करने के लिए इन सब पे क्लिक करना पड़ेगा आपको कि आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करें, देन यहाँ पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड गया आपकी ईमेल आईडी पे, उसे डाल दें। अब यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पेमेंट कर देते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ये रहा नेट बैंकिंग का ऑप्शन। कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो बीच वाले तीनों स्लैब कार्ड के हैं, और UPI वगैरह से करना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन UPI का आपके सामने। तो मैं ज़्यादातर कार्ड यूज़ करता हूँ तो मैं कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ, इसके अपना कार्ड नंबर डालूंगा और पेमेंट कर दूंगा कैप्चा डाल के। देन आपके पास जो भी स्लिप जनरेट होगी उस स्लिप को संभाल के रख लें। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रही हो। कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।